गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथ्स वाली बुक में वर्क करेंगे। पेज नंबर 55। यहाँ पर हमारे पास है एडिशन सेंटेंसेस। हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, पर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जा सकता है, एडिशन से भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे 2 times 4 लिखना है ना, तो हम 2 times 4 लिखेंगे। 4 + 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। या 4 × 2 भी 8 होगा और 4 + 4 भी 8 होगा। 3 times 3 लिखना है तो हम लिखेंगे 3 3 3, फिर तीनों को ऐड करेंगे 3 6 9, तो क्या आ जाएगा 9। इसी तरह 5 times 2 लिखना है तो 2 हमको कितने टाइम लिखना है, यहां पर 5 times 2 लिखना है ना, 5 times 2 लिखना है आपको। 4 times 4 लिखना है, जो आंसर आएगा वो आप यहां लिखोगे। यहां पर आपको क्या करना है कि ये 5 की टेबल है पूरी आपकी, है ना, उसको आपको पहले कंप्लीट करना है और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डॉट्स को आपस में ज्वाइन करना है। हमेशा ध्यान रखना, डॉट्स किस में ज्वाइन करेंगे, इंक्रीजिंग नंबर में। जब आप ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि एक ब्यूटीफुल फिश बन जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है स्टोरीज है, इन स्टोरीज को रीड करना है, फिर प्रॉब्लम को सोल्व करनी है। जैसे देयर आर 5 glass bottles ऑन द टेबल, देयर आर 3 shells इन ईच बोटल, तो कितने होंगे टोटल, कि 5 glass bottles है टेबल पर और हर बोतल में 3 shells है, तो 3 5 = 5, 3 = 15 आ जाएगा। इसी तरह से 3 group of whales है जिसमें 7 whales है ईच ग्रुप में, तो आप लिखोगे 7 3 group है और हर ग्रुप में कितनी वेल है, 7, तो 7 + 7 + 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21। इसी तरह से 2 octopus है सी में और हर ऑक्टोपस के 8 arms है, तो कैसे निकलेगा, 2 octopus है, 2 times 8 इक्वल्स टू 16 arms इन ऑल निकल जाएगा। इसी तरह से आपको ये सारी स्टोरीज हल करनी है।